हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेंचुरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ सिलेक्शन इन द डिफेंस फोर्सेस। स्टूडेंट्स, सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, एफकैट का भी एग्जाम आने वाला है, साथ ही साथ एयरफोर्स का जो सेकेंड पार्ट है वो भी उसी टाइम पे आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें क्वेश्चंस ब्रीफ करके भी मैं आपको बताऊंगा और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। और इस वीडियो में हम लोगों ने आज कोशिश करी कि पहला पार्ट हम इंडियन ज्योग्राफी का लेके चले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटिशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एसएसबी के स्टूडेंट्स जो एसएसबी में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में उनसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, लाइक एस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इंडिया के बारे में। तो जो बेसिक चीज है वो इस वीडियो में इंक्लूड करी जा रही है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस इसे जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। ये लिखा है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव अदर आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक आप अपना आइडिया ले लीजिए, उस आइडिया को अपनी आप लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में आप सपने में भी सोचो और उसी आइडिया पे आप जियो, अपने ब्रेन, अपने मस्तिष्क, अपने मसल्स को, अपने नर्व्स को, इवन हर पार्ट, अपने बॉडी के हर पार्ट को उसी चीज के सोचने में लगा दो, उसी आइडिया के बारे में सोचो। और जो बस एक काम ये करो कि जो आपके जो दूसरे आइडियाज है उन आइडियाज को अलग छोड़ दो, यही आपको सक्सेस तक का ले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और आप सभी समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंस ये रखता है ये जो कोट है। तो मैं चाहूंगा इसको आप अपनी लाइफ में लेके चलें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टडी मटेरियल की फैसिलिटीज देती है स्टूडेंट्स। तो अगर आप एसएसबी बैच को हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं या आप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या नेवी और एसएसबी, इनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की भी हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती है और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेट रहा है हमारा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कुछ हमारे सिलेक्शन से 2017-18 के, और इनमें आपका भी नाम हो सकता है तो आप बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा अभी, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको उस जो चीज है उसके बारे में आप सर्च करते हो, और साथ ही साथ जब आप सर्च करते हो तो तीन चार चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो इसलिए जो आपको नई चीजें मिल रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी हो जाती है। वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की कौन सी रैंक है एरिया वाइज, तो इंडिया की रैंक है 7th। इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज है, उसमें आपका रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और देन हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एरिया ऑफ इंडिया कितना परसेंट है। यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया का जो एरिया है वो क्या है, 2.4% है पूरे टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, ठीक है।
ये इसको आप अपने ग्रुप डिस्कशन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट आता है तो आप इसको लेकर भी पॉइंट आउट कर सकते हो और पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडिया में कितनी स्टेट से पास करती है, 8 स्टेट से। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, खास तौर से एफकेट के लिए जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई है और या सीडीएस के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करती है। तो 8 स्टेट से पास करती है, कौन कौन से है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान एंड गुजरात। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब जो 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स है इंडिया के, मतलब साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, वो कौन कौन से है, पहले हम देखेंगे सदर्न मोस्ट। तो सदर्न मोस्ट में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये एक विलेज में है निकोबार डिस्ट्रिक्ट के और ऑफ अंडमान है निकोबार आइसलैंड इंडिया और इट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार तहसील। जो ग्रेट निकोबार तहसील है वहां पर ये लोकेटेड है पॉइंट। और ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया टेरिटरी का। ठीक है, और अगर हम मेन लैंड की बात करें, देखिए मेन लैंड मतलब जो हमारा मैप दिखता है इस तरह से कुछ, ये हमारा मैप दिख रहा है अगर, ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने के लिए मैं बना रहा हूँ आपके। तो यहाँ पर ये जो मेन लैंड है, मेन लैंड का हमारा कौन सा रहेगा, ये होगा कन्याकुमारी। ठीक है, और अगर पूछा जाए पूरा इंडिया में, क्योंकि अंडमान और निकोबार भी इंडिया का पार्ट है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है नियर सियाचिन ग्लेशियर एट इंदिरा कॉल। जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे हमारे कश्मीर में, वहां पर है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ध्यान में रखिएगा एक एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि नदर मोस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा नियर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है, इसको कहते हैं गुहार मोती या फिर गुहार मोटा इन गुजरात। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किप्थू, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, कहां पर ये तीनों का संगम बनता है, ये बनता है कन्याकुमारी पे। ठीक है, इधर की तरफ में आपका कौन सा है, अरेबियन सी है, इधर की तरफ में आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका ए और ये हो गया आपका बी और यहां पर आपका कौन सा है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो तीनों पॉइंट का संगम कहां पर होता है, ये होता है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टेट है बॉर्डर विद बांग्लादेश, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, तो वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये चार स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। ठीक है, तो उसमें वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तीन चार नाम बिहार आ जाएगा, सपोज यूपी आ गया, तो इस तरह से आपको नाम उस पर क्लिक करना होगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक मणिपुर भी आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें रॉन्ग जो होगा वो होगा मणिपुर। तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना होगा कौन कौन से बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। फिर देखिए, इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद भूटान, तो भूटान के साथ में कौन है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो को देखें तो अपने पास में एटलस भी जरूर खोल के रखें और एटलस से जब आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा और वो जो पिक्चर है वो आपके माइंड में एक बार बैठ जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से बॉर्डर है, अब देखिए यही चीज आपके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स विद पाकिस्तान या म्यांमार या भूटान, मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, यहाँ पर पी होगा पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, चाइना के साथ में भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल और नेपाल कह लीजिए या फिर म्यांमार या भूटान, इनके साथ में स्टूडेंट्स कम जानते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू में आपसे ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा भूटान और नेपाल के साथ में कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं।
अफगानिस्तान के साथ में कौन सा करता है, ये करता है जम्मू एंड कश्मीर पीओके एरिया वाला, ठीक है, जो कि है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, तो इंडिया के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा कंट्री है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कितना शेयर करता है, ये करता है 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, आपका पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ पर चाइना आ जाएगा, यहाँ पर भूटान आ जाएगा। तो हमें क्या कि मैप पे चाइना बहुत बड़ा सा दिखता है ऐसे करके, यहाँ पर नेपाल है फिर इधर चाइना दिखता है ना, तो इस तरह अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और चाइना टिक कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है पूरा एक सर्किल की तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर भी कुछ इंडियन स्टेट्स है, तो इसलिए क्या है सबसे जो लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुरन लाइन कहाँ कहाँ पर है, दुरन लाइन कौन सी लाइन है, ये है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन किन किन के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच की है। रेड क्लिफ किसके बीच की लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इंडिया का, इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो किसका पार्ट था, तो आपको ऑप्शन इस तरह से गोंडवाना कॉन्टिनेंट, दो तीन और कॉन्टिनेंट के नाम आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा गोंडवाना कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। ये क्या है गोंडवाना कॉन्टिनेंट, एक एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट है जो कि 200 मिलियन साल पहले टूटा था, ठीक है। और जब ये टूटा तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक बन गया अफ्रीका जिसको आज हम नाम से जानते हैं, एक बन गया साउथ अमेरिका, फिर एक बना ऑस्ट्रेलिया, फिर एक बना अंटार्कटिका, फिर एक बना इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एक बना अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये इस तरह से करके कुछ जो था पूरा ये आपका जो गोंडवाना था ये पूरा एक आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से और हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फोल्ड्स एंड एज ऑफ फॉर्मेशन हिमालयस इज डिवाइडेड इनटू फोर पैरेलल स्ट्रक्चरल एरिया। हिमालय क्या है, हिमालय चार स्ट्रक्चरल एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है। किन किन में, एक है ट्रांस हिमालय, एक है ग्रेट हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय और फिर आता है शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ग्रेट हिमालय है वो ओल्डेस्ट रेंज है हिमालय की, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये आपकी ओल्डेस्ट रेंज है। उसके साथ साथ जो आपका फिर मिडिल हिमालय आता है, ठीक है, फिर इसके बाद में मिडिल हिमालय आएगा और उसके बाद में आपका शिवालिक आएगा, ठीक है। तो शिवालिक को आप कह सकते हो कि आपकी जो सबसे जो न्यूएस्ट रेंज है, तो सबसे न्यूएस्ट रेंज आपकी कौन सी है, ये है शिवालिक रेंज, ठीक है। हाइट ऑफ हिमालय कितनी है, 8850 अबव द सी लेवल, सी लेवल से इतना ऊपर है। कौन सा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, तो वो है अरावली, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीडीएस में, एफकेट में तो बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पर है, ये है वेस्टर्न इंडिया में, रनिंग अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग इन दिल्ली। मतलब कहाँ से, कि गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे होते हुए ये दिल्ली तक का जाता है, ठीक है। अरावली क्या है, इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड की, सबसे पुरानी, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और इंडियन पेनिनसुला, तो ये कौन सी हाईएस्ट पीक, ये है अनाई मुड़ी, ठीक है। अनाई मुड़ी कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट्स में साउथ इंडिया के, और इनकी हाइट कितनी है, 8842, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट विच हिल रेंजेस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, ये कुछ ऐसे इधर का आपका ये हो जाता है ईस्टर्न घाट, ये हो जाता है वेस्टर्न घाट, तो ये जिस जगह पर मिलते हैं ये जो रेंजेस यहाँ पर बनती है उसका नाम है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। कहाँ पर, एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, इधर पर कर्नाटका, इधर पर केरला, तो ये आपका यहाँ पर जो ट्राई जंक्शन बनता है वहां पर क्या है, नीलगिरी हिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डमन हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स, कार्डमन हिल्स किसके बॉर्डर के स्टेट्स पे लगते हैं, वो लगते हैं केरला और तमिलनाडु के बीच में। माउंटेन एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, आप देखिए माउंटेन एवरेस्ट की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, बहुत से लोग
इसको इंडिया टिक कर देते, लेकिन ये इंडिया नहीं है, ये कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सागर मत्था इन नेपाल। ठीक है, सागर मत्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा, सागर मत्था क्या चीज है, अगर आपने इसके बारे में सुना तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करी थी उनका नाम था जुनको टेबेई। ठीक है, इन 1975। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है फैट में, और 2014 या 15 में क्वेश्चन आया था, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे बचेंद्री पाल टिक करा था। बचेंद्री पाल नहीं है, बचेंद्री पाल इंडियन है। ठीक है, और ये जो थी ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कमेंट सेक्शन पर आप ये लिखिए कि जुनको टेबेई जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये फर्स्ट मैन, पहला आदमी कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, दोनों के नाम, दोनों चीजें जो मैंने आपसे पूछी वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, नहीं पता तो उसको सर्च करिए, गूगल करिए, लेकिन उसको लिखिए जरूर। सेकंड इंडियन कौन थी, ये थी संतोष यादव। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इन इंडिया कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, लोकेटेड इन POK, POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन काराकोरम रेंज। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर सिचुएटेड है, कंचनजंगा सिचुएटेड है नेपाल और सिक्किम पे के बीच में। ठीक है, इन एरियाज में आता है, ये क्या है, वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नंदा देवी कहां पर है, ये उत्तराखंड में। गुरु शिखर कहां पर है, ये क्या है, ये आपका एक अरावली जो रेंज है उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये कहां पर है, ये है राजस्थान में। ठीक है, हाईएस्ट अरावली पीक कौन सी, ये है कुंभलगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह आता सीरियस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होगा, हाईएस्ट अरावली पीक जो है वो कौन सी, वो है कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। ठीक है, जो जो लोग घूमने गए हैं कुल्लू मनाली, उन्हें पता होना चाहिए कि कुल्लू वैली किन कहां पर सिचुएटेड है, धौलाधर और पीर पंजल रेंजेस के बीच में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे, पहला पार्ट है, आगे के पार्ट भी हम लेके आएंगे, तो जरूर इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। क्वेश्चन भले ही उनकी लैंग्वेज चेंज कर दिया, उनका पैटर्न चेंज कर दिया जाए, है ना, लेकिन आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले चांगला पास, तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। शिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला पास, ये आपको ध्यान में रखना होगा, नाथुला क्या, इसके पीछे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट भी हुआ था पहले, तो नाथुला कहाँ पर है, ये सिक्किम पे। जोजिला कहाँ पर है, कश्मीर में। लिपु लेक कहाँ पर, उत्तराखंड में। नीति पास भी आपका उत्तराखंड में है। जिलेप्ला ये कहाँ पर है, सिक्किम में। माना पास कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और पलघाट ये कहाँ पर है, केरला में। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो इसको तो जरूर ध्यान में रखना, और स्टार से मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ध्यान में ये रहता है कि मैक्सिमम जो पासेस है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन पालघाट जो ये कहाँ पर है, ये है केरला में। मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड फ्रॉम विच कोस्टल एरिया, तो ये मेजर करा जाता है चेन्नई से। ठीक है, जैसे 8848 मीटर लिया है फ्रॉम द सी लेवल, तो सी लेवल कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है चेन्नई से। ठीक है, लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अप टू कितना, ये 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे इंडिया है तो इसका कुछ एरिया होता है जो कि जहाँ तक की इसकी ये रेंजेस रहती है। ठीक है, जहाँ तक का इसका स्टेट का पूरा रेंज रहता है, ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडियन ओशन है तो पूरा जहाँ जहाँ पर इंडियन ओशन का पानी जा रहा है सब जगह इंडिया का कब्जा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहाँ तक का उसका टेरिटरी है वाटर बॉडीज के, उसके स्टेट्स की, तो दैट इज टेरिटोरियल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया ये कितनी है, 7500 किलोमीटर की। लॉन्गेस्ट सी कोस्ट ऑफ स्टेट कौन सा इंडियन स्टेट, वो है गुजरात। हाउ मैनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार से मार्क कर लीजिए, और मैं चाहूंगा अगर आप इन स्टेट्स के नाम लिख सके कमेंट सेक्शन पे तो जरूर लिखिए। देखिए, बार बार जो आपसे कहा जाता है कि कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उसका मेन पर्पस यही रहता है कि आप चीजें को अपनी तरफ से भी थोड़ी चीजें सर्च करें, एक चीज आप सर्च करोगे दो तीन चीजें और आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए कि हाउ मैनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, तो कौन कितने स्टेट शेयर करते हैं, 9 करते हैं। ठीक है, 9
द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कौन सा है? इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये कहां पर है? इट रन्स बिटवीन फाल्स डिवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश टू केप कोमोरिन इन कन्याकुमारी। केप कोमोरिन किस लिए फेमस है भाई? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी यहाँ पर, की डच कंपनी आई थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, और बताना चाहूंगा ये जो आइसलैंड अंडमान निकोबार, इसमें कितने नंबर ऑफ आइसलैंड है? 220। मतलब क्या? 220 द्वीपों से मिलकर अंडमान एंड निकोबार बना है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। विच चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार? तो ये कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किनको? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड टू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन कितना है? 150 किलोमीटर का है। बैरन आइलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बैरन आइलैंड कहां पर लोकेटेड है? ये है बे ऑफ बंगाल में, और ये क्या है? इट इज एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि साउथ एशिया में है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इंडियन रीजन के पास में है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान सी इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में कहां पर है? 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। It is an active volcano in South Asia. It was first erupted in 1787 में ये पहली बार फटा था, इरप्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री हरिकोटा आइलैंड ये कहाँ पर है? ये है नियर पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है, पुलिकट लेक कहाँ पर है? तो पुलिकट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर है? श्री हरिकोटा ये आइलैंड है जो की पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश के पास में लोकेटेड है, और ये क्या करती है? सेपरेट करती है बे ऑफ बंगाल, पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जो पुलिकट लेक है उसको बे ऑफ बंगाल से अलग करती है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहां पर है? वो भी यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि श्री हरिकोटा या फिर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहां पर है? तो आपको टिक करना होगा आंध्र प्रदेश में। एडम्स ब्रिज, हम सभी ने इसका नाम सुना है, राम सेतु, जो कि भगवान श्री राम ने पत्थरों को नल नील के द्वारा फेंक के वहां पूरा एक पुल बनवाया था। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है धनुष कोड़ी से। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए धनुष कोड़ी किस स्टेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदर्भा इज अ रीजनल नेम इन इंडिया एंड इज अ पार्ट ऑफ। विदर्भा क्या है? इस बार का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? विदर्भ ने जीती थी। तो विदर्भ अब किस स्टेट का रीजनल नेम है? ये रीजनल पार्ट है, तो वो है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। भारत का कोहिनूर किसे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को। क्यों बोला जाता है? कमेंट सेक्शन पे आप लिखेंगे। सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? कर्नाटका को। ठीक है, सिटी कौन सी है? बेंगलुरु। स्टेट इन एरिया वाइज रैंकिंग, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि रैंकिंग वाइज अरेंज करिए स्टेट्स को, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद में यूपी उत्तर प्रदेश। सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, एसएसबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनके नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखने होंगे वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ध्यान में रखिएगा इसमें आपका सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम नहीं है इसमें इंक्लूडेड। स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने? 75। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है? दिल्ली। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? लक्षद्वीप। टेरिटरी ऑफ पुंडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। कैपिटल दादरा और नगर हवेली की कौन सी है? सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश गंगा रिवर को, मैं बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर नाम से जाना जाता है पद्मा रिवर के नाम से। ठीक है, आप गंगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इतने ही पैराग्राफ में मैंने इंक्लूड कर दी है, आप पढ़ोगे इसे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। गंगा क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कहां से इमर्ज होती है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी कहां पर है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है,
वहां पर जब ये ओरिजिनेट होती है तो इसको नाम दिया गया भागीरथी का, ठीक है। फिर क्या होता है, ये ज्वाइन बाय विलंगना, आगे चल के विलंगना इसको ज्वाइन करती है तीरी में और अलकनंदा इन देवप्रयाग, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ से ये मिलके जब मिक्स मिल गई, संगम हो जाता है, तो आगे बढ़ के राजमहल हिल्स तक जाते हैं एट द बॉर्डर ऑफ झारखंड, झारखंड का जहाँ पर बॉर्डर है वहां तक जाते हैं। फिर गंगा क्या करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है फरक्खा इन वेस्ट बंगाल, जो फरक्खा है पॉइंट वहां वेस्ट बंगाल में, वहां से ये एंटर करती है बांग्लादेश में। वहां पर गंगा को नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। फिर क्या होता है, गंगा मर्ज हो जाती है ब्रह्मपुत्र में रिवर में इन बांग्लादेश एंड फर्दर दिस स्ट्रीम मर्ज इन मेघना रिवर। फिर आगे चल के क्या होता है, ये मेघना रिवर में मर्ज हो जाती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा एक एक चीज कि कौन सी रिवर कहाँ पर मर्ज हो रही है, कौन सी चीज आ रही है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर मेघना फाइनली एम्प्टीज इन द बे ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है, मेघना जो कम्प्लीटली सब तीनों रिवर मिल गई है वो फाइनली क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है, उसमें जाके गिर जाती है और वहां पर सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एट। अलकनंदा और जो भागीरथी है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलती है देवप्रयाग में। ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, देवप्रयाग में भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग, ये दो बार क्वेश्चन हो गया। ब्रह्मपुत्र इरावड़ी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, ये कहाँ से होते, तिब्बत में, ठीक है। अभी मेकोंग रिवर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ डिस्प्यूट भी चल रहे थे, आपने सुना होगा 2-3 साल पहले, ठीक है। अगर नहीं पता तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, वहां पर जाना जाता है सांगपो के नाम से। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस जरूर शेयर करें, और हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए और भी कोर्सेज या ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए कोई भी चीज़ लेने के लिए आप दिए गए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एफकेट और एयरफोर्स ग्रुप XY का पेपर ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए हमारी अकेडमी स्पेशली पेपर डिज़ाइन करे, जिनको कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी अकेडमी के पे आके आप डायरेक्ट पेपर भी लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अदर चीज़ें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर से लिए। Thank you so much. God bless you all.